देखिए, मैंने अपने तकरीर में ये कहा है कि इस प्रोग्राम का वाहिद मकसद है कि मुसलमानों का जो वाजिब हक है, जो ड्यू शेयर है पॉलिटिक्स में, वो मिलनी चाहिए। मुसलमान आबादी के हिसाब से भारत में 78 MPs डिज़र्व करता है और आज हमारे गिन चुन करके 25-26 के आसपास MPs हैं, और इस सियासी पिछड़ेपन की वजह से, इस सियासी बेवजनी की वजह से मुसलमानों को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए मैं मालेगांव में जो प्रोग्राम हुआ, इस फोरम से सभी पार्टियों को, खास करके जो सेकुलर नेशनल पार्टियां हैं, सेकुलर जो रीजनल पार्टियां हैं, सेकुलर जो OBC बेस्ड पार्टियां हैं, उनसे मैं ये आग्रह करता हूं, उनसे मैं ये आह्वान करता हूं कि मुसलमानों को उनके आबादी के हिसाब से टिकट दी जाए और ऐसे जगह से टिकट दी जाए जहाँ से मुसलमान चुन करके पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असम्बलीज में पहुँच सके। जी, मैंने अपने तकरीर में ये भी बात कही है कि जिस तरह से हम बच्चों को नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, उनको प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए उनको जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, वैसे ही उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए प्रेरित करनी चाहिए और उनको ऐसा बनाना चाहिए कि आगे जा करके पूरी तालीम हासिल करने के बाद, एक्सपीरियंस और शऊर हासिल करने के बाद आपको MLA बनना है, आपको MPs बनना है, आपको मिनिस्टर बनना है, आपको एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनना है। जब हम बच्चों को इस तरह से ट्रेन करेंगे और उनको ये समझाएंगे कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए काम करना है, आपको जो ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे पॉलिटिक्स करनी है, तब जा कर के हमारे नौजवान इसमें शामिल होंगे और एक जो क्लीन पॉलिटिक्स है जिसका आज देश में बिल्कुल अभाव है, हमारे जब बच्चे ट्रेन होकर के आएंगे, मोटिवेट होकर के आएंगे और उनके पीछे दीनी तालीम जब होगी तो क्लीन पॉलिटिक्स देने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये 224 की बात है। मेरा यह मानना है कि मैंने जो किताब लिखी है, मैंने इसमें यह लिखा है कि मुसलमानों को आबादी के हिसाब से जो हक है वो नहीं मिला है, और ये हक नहीं देने में सबसे बड़ा रोल जो है जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका है, जो छोटी छोटी जो रीजनल पार्टियां हैं मुसलमानों की, उनका जो फैलाव है, उनका जो एक्सपेंशन है वो बहुत कम है। जैसे AIUDF है, आसाम तक महदूद है, MIM है, वो महाराष्ट्र और तेलंगाना तक महदूद है, दो ही MPs हैं उनके, जो IUML है वो केरल तक महदूद है, लेकिन जो मुसलमान जो है पूरे नेशनल लेवल पे वो हमेशा सेकुलर पार्टियों को वोट करता है और किसी एक पार्टी को वोट नहीं करता है, कहीं कांग्रेस पे वोट करता है तो कहीं समाजवादी को वोट करता है, कहीं TMC को वोट करता है तो कहीं BSP को वोट करता है, कहीं DMK को वोट करता है, कहीं आपको वोट करता है। तो मेरे कहने का मकसद है कि जहाँ जहाँ सेकुलर पार्टियाँ इनको वोट को लेती हैं उनको जायज़ हक देने की कोशिश करें और वो जायज़ हक देने के दिलाने के लिए मैं एक मुहिम चलाऊंगा। नहीं, देखिए, मैंने तो ये बात बिल्कुल क्लियरली कहा है कि CAA के ख़िलाफ़ में जिस तरह का गम और गुस्सा हमारे कौम में था और जिस तरह से एक ये अंधा कानून, एक काला कानून देश पे थोपा गया था और जिस तरह की बेचैनी और जिस तरह की तकलीफ़ मुस्लिम समाज में थी, उस चीज़ को भांप करके मैंने रेजिग्नेशन दिया था इसके ख़िलाफ़ में, इसके प्रोटेस्ट में। वो ये बात अलग है कि सरकार ने उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि जब तक इस कानून को सरकार वापस नहीं लेगी मैं भी अपना रेजिग्नेशन वापस नहीं लूँगा। आज IPS अब्दुल रहमान साहब ने जो NRC पर सरकार ने जो कानून बनाया था उसका विरोध करते हुए उन्होंने रिज़ाइन दिया। आज मालेगांव की सरजमीन पर आने का एक ही मकसद था कि सियासत के मैदान में मुसलमान जो कमज़ोर है उसकी क्या असबाब है, उसको लेकर आज यहाँ की NGO ने प्रोग्राम रखा गया था। हम भी यही कहते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने छागला यूनिवर्सिटी में नौजवानों को कहा था के सियासत की जानकारी होना चाहिए, और यही देश की सबसे बड़ी अदालत और देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा। बहुत अच्छी उन्होंने ये बात कही थी कि नौजवानों को सही मुद्दे के साथ, ईमानदारी के साथ आगे आना चाहिए। तो मैं नौजवानों से यही अपील करता हूँ कि सही मुद्दे के साथ, ईमानदारी के साथ आप आगे आएँ। आप आगे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये भी कहा था कि देश के भविष्य के लिए नौजवानों की ज़रूरत है, न्यू लीडर की ज़रूरत है। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि आप आके पॉलिटिक्स के अंदर आकर अपने देश की खिदमत करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं MIA महाराष्ट्र स्पोक पर्सन हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से।